हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। और मेरे दोस्तों के साथ नेत्रहाट का प्रोग्राम बना है, सारे मेरे दोस्त लोग चल रहे हैं, हम लोग टोटल 6 लोग हैं। और देखिए पीछे मेरे दादा बैठे हुए हैं, ये हेवी वाला ट्रेन ड्राइवर। तो भाई दादा कुछ बोलिए ट्रिप के बारे में। ट्रिप के बारे में ऐसे बोला जाए कि ये मेन इसका जो मूल बिंदु जो ट्रिप का है वो दादा स्टार्ट किए थे कि चलना है नेत्रहाट। दादा जब बोलता है तो सीना चौड़ा करके रेडी हो जाते हैं, तो फिर हम लोग सब चलने का प्रोग्राम कर लिया और अभी हम लोग निकल रहे हैं नेत्रहाट। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत मजा आएगा। ये मेरे बाकी दोस्त लोग हैं, ये मेरा ऑफिसर, मेरा बड़ा बाबू, ये मेरा छोटा बाबू, ये सरजमदा का बड़ा बाबू है, ये सरजमदा का कोई पता नहीं लेकिन बहुत ये छोटा बाबू है। ये मेरे जो हमारे चॉकलेटी बॉय, चॉकलेटी बॉय हाय बोलिए। ये ड्राइवर भैया हैं, साथ में चल रहे हैं। और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, नया नया शादी किया हुआ दूल्हा, वो देखिए पीछे बैठे हुए हैं, चैटिंग कर रहा है। बीवी को छोड़ के कैसे आया होगा? हाँ, ये बीवी को छोड़ के आया है भाई, गम में थोड़ा सा चैटिंग चल रहा है इनका। एक महीना 4-5 दिन हो रहा होगा। ओहो, हाथ का मेहंदी का रंग भी छूटा नहीं है भाई का। हसीन वादिया भाई, हसीन वादिया। दादा हम लोग का शुरुआत का पहला ट्रिप था। कभी अलविदा कहना, कभी अलविदा कहना। हेलो गाइस, हम लोग अभी देवड़ी मंदिर में रुके हुए हैं। देवड़ी मंदिर जहां हमारे इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं जो MS महेंद्र सिंह धोनी, वो अक्सर इस जगह पे आते रहते हैं दर्शन के लिए। ये माता देवड़ी मंदिर है, देवी माता का स्थल है, तो बहुत ही पूजनीय जगह है। बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए पीछे बड़े बड़े गाड़ी से आते हैं लोग। हम लोग चलते हुए अभी नाश्ता पानी के लिए, चाय पानी के लिए रुके एक जगह में। ये भाई जो है वो बोर्ड देख के रुका, लिखा है मीट, मतलब मीट होटल, मीट भात ना, उसको देख के रुका। खाए हम लोग लिट्टी चोखा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन करेंगे मेरे सुरेंद्र भाई। बहुत ही मज़ा लग रहा है, सब सारे दोस्त हम लोग हैं, सब साथ में निकले हैं घूमने के लिए। और आज का दिन बहुत अनोखा होने वाला, अनोखा दिन है। वो रहा होटल जहाँ हम लोग अभी नाश्ता पानी किए। सूरज भाई अभी लगे हुए हैं आग तापने में, अबे उदित भाई भी लगे हुए हैं। दादा मजा आ रहा है, सफर मजा आ रहा है ना। चलिए 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 चलिए, चलो भाई लोग चलो चलो। और ये हम लोग का गाड़ी इनोवा खड़ा है उधर, तो चलते हैं यार, जल्दी 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 पहुँचना, तब ना मज़ा आएगा आगे। उदित हाल फ्रेंड्स, और हम लोग अभी आ चुके हैं नेत्रहाट के करीब, अप्रॉक्स और 6-5 किलोमीटर बचा हुआ है। और इस जगह में बड़ी खूबसूरत जगह है और रुके हैं क्योंकि एक्चुअली पहाड़ चढ़ रहे थे ना, तो राउंड एंड राउंड इस वजह से थोड़ा सा सबका जो संतुलन गड़बड़ आ गया, तो रुके हैं। और हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग आ चुके हैं नेत्रहाट, नेत्रहाट के रेस्ट रूम, क्या भाई होटल का नाम था क्या, रवि एंड शशि होटल में। अच्छा व्यवस्था है, देखिए होटल जो है बहुत ही खूबसूरत है, अंदर भी जो है बेड दिया। हम लोग 6 लोग हैं, 6 लोग के लिए डबल बेड का है, 3 बेड लगा हुआ है, 2 बाथरूम है, 1 इंडियन 1 वेस्टर्न दोनों लगा हुआ है। दोस्त लोग आए हुए हैं, रेडी हो रहे हैं, अब निकलेंगे हम लोग घूमने के लिए। और भाई लोग सब रेडी हो रहा है, देखिए जल्दी जल्दी घूम लेते हैं फिर, क्योंकि कल 11:30 में चेकआउट करना पड़ेगा, तो एज पर रूल जो है चेकआउट तो करना पड़ेगा। हम लोग 24 घंटे के लिए हैं, तो अभी निकलेंगे हम लोग, रेडी होकर थोड़ा घूम लेंगे, जो भी कुछ पॉइंट अगर देख पाते हैं तो, बाकी भी कल देखा जाएगा सनराइज़ वगैरह क्या है, जो भी पॉइंट है देखा जाएगा कल। चलते हैं अभी, भाई सब रेडी है? How was the Josh? Yes, sir.
यस सर, हाय सर, हाय सर। हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग आ चुके हैं नेत्राहट का कोयल व्यू पॉइंट में। कोयल व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए, ये जो है ना पेड़ सब, शायद उसको पाइन ककड़ी निकलती इसी से, तो इसी का है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, गोलाकार शेप में है। इधर है, उस साइड भी है, ये देखिए बैक साइड उधर भी है। तो ये कोयल पॉइंट है, कोयल व्यू पॉइंट। किसी का फोन आता फिर दिखा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कल घूम के आए, आके सो गए हम लोग, सो के अभी उठ गए। कैसे चलना है, बाकी जो बचा हुआ पॉइंट है घूमने के लिए। कल खास कुछ पॉइंट अटैम्प्ट नहीं कर पाए हम लोग। एक तो वेदर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से भाई लोग को भूख भी लग गया था, सबको भूख लगा था, क्योंकि खाना जो है उसका व्यवस्था ठीक से नहीं था। बाहर खाना वाला चिकन उकन बनाया गया, खाया पिया गया आराम से, उसका सोने में देर हो गया, सोने में देर हुआ, इस वजह से अभी 8-9 बजने वाला, तब नींद खुल रहा है। भाई लोग सब रेडी हो गया, रेडी होके निकलेंगे हम सब। भाई लोग निकलना है ना, घूमने निकलना है ना। यस, हाउ वाज द जोश? हाउ सर? नो सर, नो सर, मेरा हेवी वाला ट्रेन का नो हो गया भाई। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं होटल से, और सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। निकलेंगे, कुछ कुछ पॉइंट अभी निकलेंगे उसके लिए। मौसम फिर से लग रहा सपोर्ट नहीं करेगा, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा होटल का। नेत्राहट जैसा जगह पे ऐसा अच्छा होटल मिल गया है। मेरा भाई, हाय बउआ मेरा, और हम अभी चलेंगे आपका जो भी नेत्राहट का कुछ पॉइंट सब है सब घूम लेते हैं। हाँ, चलिए। कैसा रहा भाई होटल? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत फुल मस्ती हुआ। होटल था सारा दोस्त अच्छा रहा है। आज सारे दोस्त लोग निकलते हैं, हम लोग अब चल रहे हैं। यह नेत्राहट आवासीय विद्यालय, तो यहाँ लोग आते हैं पढ़ने के लिए। ये टूरिस्ट प्लेस की तरह भी है, लोग आते हैं, जो भी टूरिस्ट लोग हैं आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ आते हैं जरूर विजिट करने। एक पॉइंट में से एक भी पॉइंट है नेत्राहट, अगर आते हैं तो आप पॉइंट इस जगह पर घूम के जा सकते हैं। अच्छा, तो भाई हम लोग आ चुके हैं ये मंगोलिया सनसेट पॉइंट। इसका एक स्टोरी है, देखिए स्टोरी यहाँ लिखा हुआ भी है इस बोर्ड में इसका। ये देखिए, वह लव स्टोरी है, लव के लिए ही फेमस है। देखिए चलिए देखा जाए सनसेट पॉइंट। तो स्टोरी ये है कि जो मंगोलियन जो भी है प्रेमिका प्रेमी जो थे, वो घोड़ा से इस सनसेट पॉइंट में छलांग मार दिए थे। और भी एक स्टोरी है, यहाँ के लोगों से बात किया था मैं, तो बोलते हैं कि जो प्रेमी क्या बोलते हैं लवर जो था, वो आते थे और बांसुरी बजाते थे, तो फिर उनकी जो प्रेमिका थी वो आती थी, ऐसा कुछ है। तो अच्छा जगह है, अच्छा लग रहा था। आने वाला रूट जो था, रोड बहुत ही काफ़ी अच्छा था, सीधा था। देखिए अच्छी जगह है, देखा जाए उधर चला जाए पहले। देखिए वो घोड़ा का इसी उन्हीं के सद याद में जो भी बना हुआ है, देखिए स्टैचू बना हुआ है, घोड़ा भी है। क्या भाई घोड़े पे चढ़ जाएगा क्या, तू भी छलांग मारेगा? लव का निशानी है। हाँ, तो इसलिए इसे किसको ये देखिए उनका स्टैचू बना है उनके यादों में।
काफी अच्छी जगह है। आ रहा फोटो, आपका फोटो लगा भी गिर जाएगा, उठ जाएंगे बे, देखेगा तुम मैं बसंती स्टोरी कुछ और भी सर लिखा हुआ है, देखा जाए क्या है। हाँ वही है जो मैं बोर्ड दिखाया था, फिर से लिखा हुआ है देखिए, रोलियन सनसेट पॉइंट, प्रेम और विरह की अनोखी दास्तां व्या करता है। कहते हैं इस जगह कुमारी मैग्नोलिया ने स्थानीय चरवाहे की विरह में अपने घोड़े के सहित घाटी की असीम गहराई में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इस स्थल के अस्तगामी सूर्य नियन विराम दृश्य प्रस्तुत करता है, वही सनसेट। तो अच्छा जगह लग रहा है।